आज देखिए कैसे मिला कुमार कार्तिकेय को उनका वाहन मोर। मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र ने अपने मुष्टि प्रहार से उस पर्वत को दो भागों में बांट दिया और फिर उन दोनों भागों को एक मुर्ग और एक मयूर में परिवर्तित कर दिया। दशार्थ, अपनी शक्तियों से मैंने तुम्हें दो ऐसे निर्दोष पक्षियों में परिवर्तित कर दिया जो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, इसीलिए आप तुम भी कभी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। ईश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः सन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। प्रभु, प्रभु, हम दोनों एक शाप के कारण असुर बन गए थे, किंतु अब आपने दशरथ का वध कर हमें उस शाप से मुक्त कर दिया है। प्रभु, इस शाप से मुक्त कर आपने हमारा कल्याण कर दिया, अब आप हमें अपनी शरण में लेने का वरदान दीजिए। उचित है मयूर जी, अब से आप मेरे वाहन बनेंगे, मेरे वाहन बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपना वाहन नियुक्त कर मुझे कृतार्थ कर दिया। मुझे ज्ञात है प्रभु, मैं मयूर के समान सुंदर नहीं, कदाचित इसलिए आपने मुझे सौभाग्य के योग्य नहीं समझा, किंतु मुझे अपनी सेवा है तो कुछ तो आदेश दीजिए प्रभु, मुझ पर भी तो कृपा कीजिए। आज तुम्हारी छवि मेरे पताके पर सदैव अंकित रही, जिससे सदैव तुम्हारा जुड़ाव मुझसे बना रहे। क्या हुआ, क्या तुम प्रसन्न नहीं हुए? नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं,
किंतु मात्र मेरी छवि आपके साथ जुड़ेगी, स्वयं मैं नहीं प्रभु। उचित, तो आपके लिए मेरा यह आदेश है कि आज से मुझे और संसार के प्रत्येक जन भोर में सूर्योदय से पूर्व तुम बांग देकर उन्हें उनकी निद्रा से उठाओगे। तुम्हारी बांग से सभी जन समय पर नित्य कर और संस्कार आदि का पालन करेंगे और इस प्रकार तुम सभी को नित्य धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करोगे। धन्यवाद प्रभु। चलिए मयूर जी, मुझे माँ से भेंट करनी है, पिताश्री के दर्शन कर उनके चरण स्पर्श करने हैं। देवराजन, अब तो आपको कुमार के सामर्थ्य पर विश्वास हुआ ना? हाँ हाँ नारायण, मैं तो प्रथम दृष्टि में ही कुमार को पहचान गया था और मुझे पहले से ही ज्ञात था कि कुमार अवश्य तारकासुर का वध करने में समर्थ है और वही हमें उसके आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं। मेरे विचार से हम सभी को कैलाश जाना चाहिए और कुमार का अभिवादन करना चाहिए। कुमार ने उन दोनों पक्षियों मयूर और मुर्ग को आसुरी प्रभाव से मुक्त कर उन्हें सकारात्मक दायित्व सौंप दिया। हाँ माता, और अब कुमार महादेव और माता पार्वती के दर्शन प्राप्त करने कैलाश पहुंच गए। अन्य सभी देवता भी उन युवा महायोद्धा से भेंट करने के लिए आतुर थे जो उन्हें तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले थे, इसलिए वो भी कैलाश पर उपस्थित हुए। माँ, 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 तेरा पुत्र।
पुत्र, मुझे संबोधित करने के पूर्व तुम्हें प्रथम शब्द उनके लिए कहने होंगे जो दीर्घ समय से तुम्हारे आगमन की आस लगाए हुए हैं। वैसे तो आप जगत जननी हैं, किंतु सत्य ये भी है कि एक माँ ही संतान को जन्म नहीं देती, एक संतान भी एक माँ को जन्म देती है। आपने सत्य कहा स्वामी। पुत्र, आज तुमने मुझे एक माँ बना दिया। माँ, मैं आपसे भेंट कर आपके आंचल की छाया पाने के लिए अधीर हो रहा था। तुमने जन्म लेते ही छह कृतिकाओं से पोषण प्राप्त किया था। इसीलिए आज से तुम कार्तिकेय कहलाओ, कार्तिकेय कहलाओ, कार्तिकेय कहलाओ। और तब तुम्हें छह शीश भी धारण किए थे, इसीलिए तुम्हें छदानंद भी कहा जाएगा। और अनुकूल समय आने पर अपने विराट स्वरूप में तुम छह हाथ भी प्रकट करोगे। कार्तिकेय अति सुंदर और उपयुक्त नाम है, और तुम मेरी उस ऊर्जा से उत्पन्न हुए हो जो मुझसे छलक कर सरकंडूप द्वारा धारण की गई। इस कारण तुम्हारा नाम स्कंद भी होगा, स्कंद भी होगा, स्कंद भी होगा। कुमार कार्तिकेय की जय, 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 कुमार कार्तिकेय की जय। और इस प्रकार जगत जननी माता पार्वती
एक पुत्र की माँ भी बनी, क्योंकि कुमार कार्तिकेय भी अब संसार में स्कंद नाम से भी विख्यात होने वाले थे। और माता का ये रूप स्कंद माता के नाम से प्रख्यात हुआ। कुमार कार्तिकेय को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। वो उन्हें देव सेनापति के पद पर स्थापित करने के लिए अत्यंत अधीर थे, जिससे कुमार अविलंब जाकर तारकासुर से युद्ध कर सके। इतनी शीघ्र? किंतु अभी तो कुमार अपने माता पिता के पास कैलाश पहुंचे ही थे। माता पार्वती तो देवताओं के इस प्रस्ताव से अवश्य अत्यंत अप्रसन्न हुई होंगी। आपने सर्वथा उचित कहा माता सरला। माता पार्वती अप्रसन्न अवश्य थी, किंतु किसी अन्य कारण से। कुमार कार्तिकेय, कितने वर्षों से हम सभी ने आपके जन्म की प्रतीक्षा की है। मेरे विचार से अब और विलंब उचित नहीं। देव सेनापति पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे स्वीकार कीजिए। महादेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आज ही कुमार कार्तिकेय को देव सेनापति के पद का दायित्व सौंपना चाहते हैं। कदापि नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। में ही इतना विलंब हो चुका है, और यदि माता पार्वती ने आज्ञा देने से अस्वीकार कर दिया तो बहुत समय बीत जाएगा, और इतना समय कहाँ है हमारे पास। पार्वती, ये क्या कह रही हैं आप? ये तो कार्तिकी की नियति है, आप उसकी नियति में बाधा क्यों उत्पन्न कर रही हैं? आप सभी तो बस तारकासुर का वध चाहते हैं, वो भी मेरे पुत्र के द्वारा। किंतु क्या आप सभी को ये दिखाई नहीं देता कि मेरा पुत्र अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है? इंद्रदेव शेष और कुशल महायोद्धा भी पूर्ण तैयारी और अभ्यास के बाद ही युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, और आप बिना किसी तैयारी के मेरे पुत्र को उस क्रूर, निर्दय और भयंकर असुर के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। और तो और, अभी मेरे पुत्र के पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। किंतु माता, हम सभी कुमार कार्तिकेय के युद्ध कौशल और उनकी बुद्धि के सामर्थ्य के साक्षी रह चुके हैं। उन्होंने पंच असुरों से युद्ध कर उन्हें परास्त किया है। मेरे विचार से तारकासुर से युद्ध करने के लिए कुमार कार्तिकेय संपूर्ण रूप से तैयार है। इंद्रदेव, क्या कुमार कार्तिकेय आपका पुत्र है? नहीं माता। उचित कहा आपने, कुमार कार्तिकेय आपका नहीं, मेरा पुत्र है। इसीलिए उसकी माँ होने के नाते इसका निर्णय मैं लूंगी कि युद्ध के लिए वो तैयार है अथवा नहीं। और मेरा निर्णय ये है, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करने के लिए अभी देव सेनापति का पद नहीं संभालेगा। किंतु माता, कुमार कार्तिकेय को शिक्षा प्रदान करने वाले उनके गुरु कौन होंगे? इसकी माँ होने के नाते इसकी प्रथम गुरु तो स्वयं मैं।
इसीलिए इसकी प्रथम शिक्षा स्वयं मैं प्रारंभ करूं। उचित है, कल से पुत्र कार्तिकेय की शिक्षा प्रारंभ। पुत्र, तुम स्नान आदि से निवृत्त हो, अपना तन और मन शुद्ध कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें पंचाग्नि तप आरंभ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। एक ओर जहां कुमार कार्तिकेय माता पार्वती के संरक्षण में कठोर तप कर अपनी शक्ति एवं सिद्धियां अर्जित करने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर तारकासुर को जब ज्ञात हुआ कि उनके पंचासुरों का वध कुमार कार्तिकेय ने कर दिया है, तो अब वो स्वयं कुमार कार्तिकेय का सामना करने की ठान लेता है। कोई कितना भी प्रतिभावान हो, पर उचित मार्गदर्शन और अभ्यास उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए अति आवश्यक है।